मर्द को औरत की तरफ से कोई तकलीफ मिलती है ना? तो निशा वो बस एक हद तक ही सह पाता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? और हां, मुझे तुम्हें एक और बात भी बतानी थी। मैं रूही की माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोई रापता नहीं हो पा रहा। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि उसकी बेटी ने हमारी जिंदगी किस तरह से अजाब में रखी हुई है। तुम्हें कुछ पता हो तो मुझे बताओ। बुआ जब से यहां से गई हैं, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। हो सकता है बुआ को भी अपनी बेटी की हरकतों का पता चल गया हो, इसलिए अपनी इज्जत बचाकर चली गई यहां से। जब बुआ यहां थी तब भी रूही की हरकतों से काफी परेशान थी। वो एक बहुत गैरतमंद खातून है। हाँ, गैरतमंद औरत है। अपनी बेटी की सही से तरबियत तो कर नहीं सकी वो। मुझे तो लगता है कि वो भी रूही के साथ मिली हुई है। और रूही को यहां छोड़कर जानबूझकर गांव जाकर बैठ गई है। और उसकी बेटी यहां से उसे पैसे भिजवा रही है। मैं पता जरूर करवाऊंगी। मेरा दिल नहीं मानता कि बुआ ऐसा कर सकती है। लेकिन जो कुछ रूही ने किया उसके बाद तो मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अब तो कोई भी कुछ भी कर सकता है।